हेलो दोस्तों, अंजू गार्डनिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करेंगे उसको अजवाइन के नाम से जाना जाता है। आप देखिए, आप कई घरों में आपने देखा होगा वो गमलों में ये इस तरह के ये अजवाइन के इस तरह से प्लांट लगे हुए थे। अजवाइन क्यों कहा जाता है, लेकिन असल में ये अजवाइन नहीं होता। अजवाइन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मैं ये पत्ती है, जैसे मैं इसको तोड़ती हूँ तो उसमें एक अजवाइन जैसी स्मेल आती है, तो इसको अजवाइन का प्लांट शायद इसलिए कहा जाता है। लेकिन असल में ये अजवाइन नहीं होती। आप घर में जो अजवाइन होती है, आप उसको किसी भी गमले में डाल के देखिए तो वो लंबी सी पतली सी डंडी होगी। तो अजवाइन का प्लांट वैसे होता है। इसको खुशबू के कारण शायद अजवाइन के प्लांट के नाम से हम अपने भारत में जानते हैं। इसको वैसे मैक्सिको बोरिज नाम से जाना जाता है कि बाहर वाले जो विदेश के लोग हैं इसको मैक्सिकन बोरिज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये नहीं है कि ये अजवाइन नहीं है तो इसके फ़ायदे नहीं है, इसके फ़ायदे बहुत। इसकी एक तो खुशबू इस तरह से होती है, इसको आप पत्तियों को सुखा कर रखिए, जब भी पिज़्ज़ा या कोई सैंडविच बनाइए आप उसके ऊपर डाल सकते हो। ये डाइजेशन के लिए एक काढ़े के रूप में भी आप अगर इसको पिए तो आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो मजबूत होता है। और कई लोग तो मैंने देखे हैं, अपने बचपन में देखा है, इसकी पत्तियों को धो के साफ़ करके इसको बारीक बारीक काट के इसके पकौड़े बनाए जाते हैं। मान लो किसी इंसान की नाक हमेशा बंद रहती है, वो एक पत्ती ले और इसको सूंघे, उसकी नाक कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं है। आप इससे इसकी स्मेल से एक हफ्ता तक लेकर देखिए, उसकी नाक हमेशा खुल जाएगी, बंद नहीं होगी, क्योंकि इसकी खुशबू, आप इसके पास में ही जाएंगे इसकी स्मेल इतनी तेज है। और बात करें कौन से क्लाइमेट में होती है, ज़्यादातर ये अजवाइन का प्लांट है, जब मैं इसको लाई थी ये उग ही नहीं रहा था, कुछ दिनों बाद ये एकदम से मतलब पानी दिया और गलने लग गया। फिर मैं दूसरी बार लाई तो फिर इसने अपने आप इसकी ग्रोथ पकड़ी। मैंने दो दिन में इसको एक बार पानी दिया और इसको छाया में रखे, और जैसे इसकी पत्तियाँ ही पत्तियाँ हैं तो आप इसको पत्ती के रूप में इसको ज़्यादातर इसको गोबर की खाद दी जाती है जिससे ये अच्छे से ग्रो हो गया। अब हमारे ये गार्डन में इतना ग्रो हो गया, आपको मैं दिखाऊं अपने गार्डन में ये जगह जगह उग गया। आप ये देखिए, ये यहाँ पर भी उग गया, इस जगह उग गया, और देखिए ये यहाँ पर भी उग गया, मतलब जहाँ पर भी एक वहाँ पर भी एक, सामने भी उगा हुआ उधर भी हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसकी डंडी जहाँ पर भी गिरी इसने अपनी जड़ें को फैलाना शुरू कर दिया। मतलब ये एक बार लगना शुरू हो जाए तो ये आसानी से लगना, इसको आसानी से आप कटिंग की सहायता से लगा दे। थोड़ा आपको वक्त लगेगा लेकिन फिर ये आसानी से लगने जाए। मैं नर्सरी में गई थी तो किसी ने कहा था कि ये प्लांट आपका राजस्थान में नहीं लग सकता, लेकिन ये फिर देखिए, फिर ये आसानी से लगने लग गया। आप कोशिश कीजिए ये आसानी से लग जाए, बस आप इन्हीं बातों का ध्यान दीजिए, ये प्लांट आसानी से लगना शुरू करेगा और आप इसकी जो यूजेस हैं उसको आप यूज़ कर सकेंगे। हर्बल प्लांट है ये, तो आपको लगाना ही चाहिए। आशा है आपको इस अजवाइन प्लांट के संबंध में मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।